मैं पवन खंडेलवाल, लोकसन हार्डवेयर निर्माता एसोसिएशन का अध्यक्ष। अलीगढ़ हमारे ताला नगरी के नाम से, ताले उद्योग के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर 22 मार्च से अब तक लॉकडाउन चल रहा है। हमारी इंडस्ट्री 22 मार्च से 24 अप्रैल तक पूरी तरीके से लॉकडाउन के ड्यूरेशन में थी। 24 अप्रैल के बाद सरकार के एडवाइजरी और लोकल प्रशासन के सहयोग से कुछ इंडस्ट्री हमने यहाँ प्रारंभ की है और आज 5 मई तक 50 के लगभग इंडस्ट्री प्रारंभ हो चुकी हैं। मिनिमम लेबर के साथ हम अपनी इंडस्ट्री के प्रोडक्शन पर आ चुके हैं। 20-30% प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि सारे इंडस्ट्री वालों को ये था कि वो इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में कुछ लोगों को रोजगार सर्जन दें, सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो और हम इस महामारी के ड्यूरेशन में कुछ सहयोग कर सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इंडस्ट्री वालों ने ये सोचा कि हम अपनी इंडस्ट्री, जो भी हमें सुविधाएं मिल रही है उसके अंतर्गत इंडस्ट्री चालू करेंगे और जैसे जैसे हम लोगों को प्रयास रहेगा वैसे वैसे हम इंडस्ट्री के प्रोडक्शन आगे बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए, हम सब लोग अपनी 30% स्ट्रेंथ से अभी काम कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का यह है कि एक मशीन पर सिर्फ एक आदमी ही काम कर रहा है, जैसे कि हमारे दो मशीनों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी है। आने जाने टाइम पर हम लोग उनके थर्मल मीटर से उनका टेम्परेचर चेक करते हैं। हर 2 घंटे बाद उनकी एक चेकिंग होती है। फूडिंग बाहर से अलाउ नहीं है, अपने यहाँ से फूडिंग देते हैं। जिन लोगों को परेशानी होती है इमीडिएट उनकी सहूलियत दी जाती है और उनको घर वापस भेजा जाता है। अगर किसी को थोड़ी सी भी परेशानी फील हो, सैनिटाइजर का हम लोग ऐसा है कि हमने हर मशीन के पास एक ना स्प्रे गन रखी है, जिससे कि हर वो 1 घंटे बाद अपने हाथ को सैनिटाइज करें और दिन में 2 बार हम उस पूरे एरिया को सैनिटाइज करते हैं। इंडस्ट्री में हमने 5 मई तक लगभग 50 इंडस्ट्री में चालू हो चुकी हैं और एक टेंटेटिव माना जाए हम लोग तो लगभग हमने करीबन 800,000 आदमियों को अपना रोजगार दे चुके हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि हम आगामी 1 महीने के अंदर और इंडस्ट्री वाले, जैसा कि अब इंटरेस्ट ले रहे हैं इंडस्ट्री खोलने में, तो आगामी 1 महीने के अंदर हम कम से कम 4 से 5 हज़ार लोगों को रोजगार दे पाएंगे। यहाँ 1 महीने से घर से अब 27 तारीख से घर से अब काम पे आए, 1 महीने से घर पड़े और अब से कुछ आने थे, हाँ बंद पड़ी थी। अब सरकार ने खोला तो कंपनी अब चालू हुई है। अब बच्चों को खर्च पानी तो दे रहे थे वैसे सर हमारे, ऐसा तो है नहीं, और ये काम है निकल कर इसे कर रहे थे। 27 तारीख से अब देखो तनख्वाह मिलेगी, अब 7 तारीख को सर, हाँ बच्चों को गुजारा तो करवा रहे हैं, ऐसे नहीं है सर हमारे बहुत बढ़िया, फिर भी सरकार रहेगा फिर भी सही है। इधर मुझे 5 साल होंगे सर, 5 साल से काम कर रही मैं इधर, इसे हाँ निकल का है इसे करते, हाँ फर्नीचर का करते हैं। हाँ ये तो हाँ 27 तारीख से बढ़िया करा है, गरीब आदमी को तो बढ़िया ही है, अब इतना बच्चों का पालन पेट पालन तो हो रहा ही है। मेरा नाम शाहिद अली है और मैं पुलिस का काम करता हूँ और मतलब इस कोरोना वायरस की वजह से ये 1-1.5 महीने से कंपनी बंद थी, अब हमारे मालिक ने कंपनी चालू करा दी है। इससे हमारा ये फ़ायदा होगा, हमारी रोजी रोटी बढ़ेगी और मालिक का भी फ़ायदा होगा थोड़ा कुछ और परिवार का भी फ़ायदा होगा। क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं आप इसके? हम सैनिटाइज से हाथ धोते हैं और ये मास्क वगैरह लगाते हैं मुँह पर। एक मशीन पे एक आदमी काम कर रहा है इस टाइम, पहले 2 करते थे। अच्छा। दूर दूर रहकर अपनी एहतियात ही बरत रहे हैं। आदमी बहुत कम आ रहे हैं इस टाइम काम पे, पहले बहुत करते थे, मतलब 20% ही आ रहा है ये समझ लो आदमी इस टाइम। सरकार ने जो फैसला लिया है इंडस्ट्री चालू करने का, इसे कैसे देखा है? सरकार ने जो फैसला लिया है जी, क्या कहेंगे इसका? ये सही लिया है डिसीजन इस टाइम सरकार ने, जो डिसीजन लिया है बहुत बढ़िया लिया है एकदम। क्या फायदा होगा, घर परिवार चलेगा? हाँ घर परिवार सही रहेगा, इससे स्वस्थ रहेगा, रोजी रोटी भी सही चलती रहेगी।